नमस्कार, मैं हूं श्वेता झा और आप देख रहे हैं आज तक। काबुल से 120 भारतीयों का दल वतन लौट आया है। जैसे ही C-17 ग्लोब मास्टर ने जामनगर में लैंडिंग की, विमान पर सवार लोगों ने भारत माता की जय के नारे लगाए। भारत के राजदूत, मिशन के स्टाफ, ITBP के जवान और कुछ पत्रकार भी मौजूद थे। काबुल का सूरत-ए-हाल देखते हुए इन सब ने भारत लौटने का फैसला किया। जामनगर में इन सब का फूल माला पहनाकर स्वागत किया गया। We will going forward try and continue our interaction with them. Of course, I cannot say in exactly what form and manner because the situation there is changing so much. We are also continually monitoring the situation there because there are still some Indian citizens who are there. That is why Air India will continue to run its commercial services to come. आपको बता दें कि अफगानिस्तान से भारतीयों को लाने का काम जारी है। बड़ी संख्या में लोग दूर दराज के इलाकों में भी फंसे हुए हैं। आज तक लगातार अफगानिस्तान में फंसे भारतीय और उनके परिवार के संपर्क में हैं। आज सुबह हमने काबुल के एक फैक्ट्री में फंसे मजदूरों से बातचीत की। वहां 18 लोग फंसे हुए हैं। आज तक के जरिए उन्होंने सरकार से रेस्क्यू की गुहार लगाई। जो लोग काबुल में फंसे हैं उनमें ज्यादा उत्तर प्रदेश के लोग हैं। इन्हीं लोगों के दल में एक शख्स चंदौली का सूरज भी है। सूरज के घर चिंता पसरी हुई है। सूरज की सलामती के लिए परिवार के लोग पूजा अर्चना कर रहे हैं। वहां पे अभी हालात तो कोई ठीक नहीं है। बात हुआ अभी थोड़ी देर बात हुआ, वहां का मालिक 2 दिन पहले भाग गया। उससे बात हो रहा है तो बस मैसेज द्वारा बात कर रहा है, बुलाया जा रहा है तो आ नहीं रहा है। दूसरा मालिक आया तो दूसरे आदमी से बात करके चला गया वापस। आदमी से अपने लोग से बात नहीं किया। वो क्या करते थे वहाँ पर? वो बेल्डर का काम करते हैं। कब गए थे यहाँ? जनवरी में। तो अभी आपकी सरकार से क्या अपील है आप लोगों? बस हाँ, यही अपील है कि आना चाहिए हमारा परिवार घर पे। आज तक ने काबुल में फंसे भारतीयों से सीधी बात की। आपको दिखाते हैं बातचीत का हिस्सा। हम अपने गवर्नमेंट से ये रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि हम सबको यहाँ से निकाला जाए। कंपनी हम लोगों का पासपोर्ट रख लिया, कंपनी भेजना नहीं चाह रही है। अब सभी लोग हम लोग यूपी के हैं और दिल्ली गाजियाबाद के दो आदमी है। 13 लोग यूपी के हैं। यहाँ पे टोटल हम लोग 18 लोग हैं। अभी एक महीना हम लोगों को हमको आए हुए 1 महीना हुआ और आदमी लोगों को 4-5 महीना हुआ है यहाँ आए हुए। यहाँ अभी खाने रहने के लिए तो कोई दिक्कत नहीं हो रही है, लेकिन यहाँ पे माहौल बहुत खराब है। आदमी निकल नहीं पा रहा है। पासपोर्ट यहाँ पे कंपनी लेकर रख लिया है, किसी को जाने नहीं दे रही है, धमकी दे रही है। तो कंपनी ये कह रही है कि कोई भी हमारे बिना कोई इजाजत के बिना कोई नहीं जाएगा और ना ही हम पासपोर्ट देंगे, ना ही हम आपको कोई हिसाब किताब करेंगे। हाँ हाँ, परिवार वाले सभी लोग बहुत चिंतित हैं। हम सभी लोग यहाँ बहुत परेशान हैं। यहाँ से एम्बेसी से कोई फोन नहीं उठा रहा, किसी से बात नहीं हो पा रही है। यहाँ पे पाकिस्तानी लोग हैं, अफगानी लोग हैं, वो लोग काम कर रहे हैं, लेकिन हम लोग इंडियन लोगों को एक जगह रखा हुआ है और जल्दी भेज नहीं रहे हम लोग यहाँ से। और कोई विदेशी नहीं है, हम लोग खाली इंडियन लोग हम ही लोग हैं। अभी सलूक तो उतना ठीक नहीं है। कल से जीएम आया कंपनी का, धमकी दे रहा है कि जल्दी चलो काम करो, नहीं तो हमारे बगैर तुम लोग जा नहीं पाओगे, यहीं सड़ जाओगे। नहीं, अभी खाने पीने की कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ पे सभी लोग इतना टेंशन में है कि कैसे अपने अपने देश को चले जाएं। भारत सरकार से इतना निवेदन करना चाहता हूँ कि हम लोग को यहाँ से जल्द निकाल लें। रिक्वेस्ट है, निवेदन है, कोटि कोटि निवेदन है कि मेरे को कैसे निकाल लें यहाँ से। घर से बात हुई मैम, घर वाले बहुत रो रहे हैं, बहुत तड़प रहे हैं, हम लोग भी बहुत कष्ट में हैं। काबुल में फंसे देहरादून के रहने वाले प्रकाश तमांग भी वहां पर फंसे हुए हैं। आज तक ने प्रकाश तमांग और उनके परिवार से भी बात की।
प्रकाश जी, आपके साथ कितने लोग वहां पर फंसे हुए हैं? अभी सर हम होटल में 800 लोग हैं और हमसे थोड़ा सा 10-12 किलोमीटर कम से कम 120 लोग हैं वहाँ पे। वो भी एयरपोर्ट आने की कोशिश कर रहे हैं और वो एक जगह उसके अंदर स्टक है। प्रकाश जी, अभी आपकी परिवार से बात हुई, उनका कहना है कि बार बार तालिबानियों का डर है और तालिबानी वहाँ पर बार बार आसपास आ रहे हैं, जिसकी वजह से आप लोग ज्यादा फंसे हुए हैं, ज्यादा घबराए हुए हैं। जो हमारे होटल के बाहर जो अफगान पुलिस की जितना चेक पॉइंट था वो उन्होंने वो कर लिया है, वो अपने पुलिस को हटा दिया, वो उन्होंने अपने बंदे रखे वहाँ पे, वो टेकअप करके वो बैठे हुए वहाँ पे, है ना। तो हमें तो मालूम नहीं है कि यूएस आर्मी जाने के बाद क्या जहाँ पे हाल होगा। अभी तक तो किसी को परेशान नहीं कर रहे, अभी तक उन्होंने किसी का ऐसा कुछ नहीं किया है, पर हमें डर है यूएस आर्मी दो तीन दिन में निकलेंगे तो उसके बाद हमारा क्या होगा, उसके बाद बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। जाहिर सी बात है, डर और दहशत है, लेकिन यहाँ चूंकि परिवार के लोग हैं, जरा प्रकाश जी को बात करने दीजिए अपने परिवार के लोगों से, उनकी पत्नी से, वो क्या इस वक्त क्या हालात है, वो बात करें उनसे। प्रकाश जी, आपके साथ में आप ही के परिवार के काफी लोग वहां पर फंसे हुए हैं, कितने लोग हैं वहां पर और कौन कौन लोग हैं, किस पर्पज के लिए आप लोग वहां गए हुए थे? और लगभग कितने लोग आपके परिवार के हैं वहां पर? तो अभी के जो हालात है उसमें क्या लग रहा है, क्या वहाँ की तरफ से कोई एश्योरेंस दिया गया है कि आप लोग बिल्कुल सेफ है पूरी तरह से, क्योंकि परिवार आपका यहाँ चिंतित है? अभी तो सर हमारा तो जो हम बैठे थे हमारे पास हमारे जो हमारे ऊपर थे वो लोग तो पहले ही जाते थे ना, तो हमारे को तो अभी तक कोई भी कहीं से भी वो कॉम्बिनेशन नहीं, सिर्फ हमारे कंपनी से बात हो रही है जैसे भी वो कोशिश कर रहे थे कब से अपने क्या क्या उसमें मालूम नहीं है। ठीक है सर, और अभी जैसे वो लड़के गुजरात शरीफ वगैरह पे है वो वहाँ पे तालिबानों ने उनको को हटा के उनको छीन ली है, तो उन्होंने बताया वो यूएन प्रोजेक्ट के साथ थे, तो उन्होंने बताया कि रिक्योर कर रहे हैं कि हम आपको कुछ नहीं कहेंगे, आप अपना काम कीजिए, और उनके पास जो वेपन थे उन सब छीन लिए हैं सब, और वो उनके सिक्योरिटी दे रहे हैं। और इस वक्त बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, हम सीधे चलते हैं। पॉलिटिकल अकाउंट बंद ही कर रखा है उनका, पॉलिटिकल अकाउंट तो लगभग बंद ही है। हम ट्विटर से भी कहते हैं इस प्रकार के गैर जिम्मेदाराना लीडर का अकाउंट भी लॉक होना चाहिए। ही शुड नॉट बी गिवन एनी पब्लिक स्पेस फॉर द काइंड ऑफ लाइज दैट ही हैज स्प्रेड, फॉर द काइंड ऑफ fabrications that he has done, for the insensitivity that he has shown. Bandhugan, ek to yeh bahut hi mahatvapurna aur bahut hi samvedanshil vishay tha. Dusra vishay bhi utna hi samvedanshil aur utna hi mahatvapurna hai. Aap jante hain, aadarniya rashtriya adhyaksh JP Nadda ji ne jan aashirwad yatra, hamare jo nav niyukt mantrigan hain, unke liye jan aashirwad yatra aarambh hua hai. Aur pure desh mein हमारे मंत्रीगण जनता का आशीर्वाद लेने आज जनता के मध्य में हैं। बंगाल में भी हमारे मंत्री हैं, मगर अभी अभी जिस प्रकार की खबर बंगाल से आ रही है वो चौंकाने वाली है और वो दुखद है। 30 से अधिक कार्यकर्ताओं को बंगाल में जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता थे और जन आशीर्वाद यात्रा में जो भाग ले रहे थे उन्हें गिरफ्तार किया गया है, कोई कारण नहीं दिया गया है। जन आशीर्वाद यात्रा को जगह जगह रोकी जा रही है
और सबसे दुखद है मतुआ समाज के पुरोधा, मतुआ समाज के बेटे शांतनु ठाकुर जी, जिनको मंत्री बनाया गया था, नवनियुक्त मंत्री सांसद है बंगाल से, उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। बहुत ही दुखद है ममता जी, एक मतुआ समाज के बेटे के मंत्री बनने पर। तो आपको हम बता दें कि संबित पात्रा ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में साफ तौर पर राहुल गांधी उनके ट्विटर अकाउंट को लेकर के कटाक्ष किया है। उन्होंने कहा कि जिस तरह से गैर जिम्मेदाराना वो बयान देते हैं, कायदे से पॉलिटिकल अकाउंट तो उनका है ही नहीं, और जो अकाउंट है भी उसे बंद कर देना चाहिए। राहुल गांधी पर एक बार फिर से बीजेपी की तरफ से निशाना साधा गया है। राहुल ने पीड़िता की पहचान उजागर की, संबित पात्रा ने साफ तौर पर कहा, और ट्विटर ने भी यही वजह दिया था जिसकी वजह से राहुल गांधी का ट्विटर अकाउंट को समय पहले ब्लॉक कर दिया गया था। राहुल गांधी पर बीजेपी ने एक बार फिर से निशाना साधा है और संबित पात्रा ने सवाल खड़े किए हैं राहुल गांधी की सोच और उनकी राजनीति पर। रुक करेंगे अगली खबर का। आपको बता दें, आम आदमी पार्टी ने अपने मिशन उत्तराखंड का शंखनाद कर दिया है। आपने आज उत्तराखंड में अपना सीएम उम्मीदवार घोषित कर दिया है। देहरादून में दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने पूर्व कर्नल अजय कोठियाल को उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी का चेहरा बनाया है। दिल्ली के सीएम आज उत्तराखंड दौरे पर थे, देहरादून पहुंचे हुए थे और एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा अजय कोठियाल को इंट्रोड्यूस करते हुए और सीएम पद का चेहरा आम आदमी पार्टी का बनाते हुए कि उन्होंने 10,000 युवाओं को रोजगार दिया है, रोजगार देने में ये सक्षम है और अगर इस तरह के लोग सीएम बनते हैं तो उत्तराखंड का विकास कितना होगा ये लोग समझ सकते हैं। ये वो शख्स है जिसको रोजगार देना आता है, ये वो शख्स है जिसको युवाओं को ट्रेन करना आता है, ये वो शख्स है जो युवाओं के सपने और उनकी जरूरतें पूरी कर सकता है। इनके साथ मिलके हम प्लान तैयार कर रहे हैं, कोठियाल साहब के साथ मिलके हम लोग प्लान तैयार कर रहे हैं कि किस तरह से अपने उत्तराखंड के युवाओं को रोजगार दिया जा सकता है। इन्होंने 10,000 से ज्यादा युवाओं को रोजगार दिया है, इनको रोजगार दिलवाना आता है। तो मैं समझता हूं कि इनके हाथों में अगर जिम्मेदारी दी जाती है तो उत्तराखंड का भविष्य न केवल सुरक्षित होगा बल्कि ये वो शख्स है जिसको रोजगार देना आता है, ये वो शख्स। और आपको बता दें, बढ़ती महंगाई और कानून व्यवस्था के खिलाफ समाजवादी पार्टी ने सरकार के खिलाफ हल्ला बोल दिया है। लखनऊ में विधानसभा के बाहर पार्टी के विधायकों ने प्रदर्शन किया, वहीं कांग्रेस भी महंगाई के मुद्दे पर समाजवादी पार्टी के सुर मिलाती हुई नजर आई। आपको बता दें कि आज से ही मॉनसून सत्र शुरू हुआ है, विधानसभा सत्र शुरू हुआ है उत्तर प्रदेश में और पहले दिन की तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं कि महंगाई के खिलाफ किस तरह से समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने हल्ला बोला है। तो दो तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं, एक तरफ समाजवादी पार्टी ने मोर्चा खोल रखा है तो दूसरी तरफ कांग्रेस भी पीछे नहीं रहना चाहती है और इसीलिए आज पूरी तैयारी के साथ यहां देखिए बाकायदा ठेला लेकर के, सब्जी का ठेला लेकर के पहुंचे हैं कांग्रेस के विधायक और यहां पर नारेबाजी भी हुई है। तो आपको जैसा कि हमने बताया, उत्तर प्रदेश में आज से विधानसभा का मॉनसून सत्र शुरू हुआ है। पहले दिन सीएम योगी ने कोरोना की दूसरी लहर में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि दी। अवसर पर मैं इस माननीय सदन की ओर से कोरोना से दिवंगत हुए उन सभी नागरिकों के प्रति भी जिन्होंने इस महामारी से जूझते हुए अपने प्राण त्यागे हैं, उन कोरोना वॉरियर्स को, उन हेल्थ वर्कर्स को जिन्होंने दूसरों की जान बचाते हुए अपनी आहुति दी है, उन सब के प्रति भी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और आपसे विनम्र अनुरोध करता हूं कि सदन की भावनाओं से शोक संतप्त परिजनों को अवगत कराने और धर्म परिवार के प्रति भी हमारी संवेदना को पहुंचाने
का कष्ट करें। हम रुकेंगे यहां पर एक छोटे से ब्रेक के लिए, बने रहे हमारे साथ, देखते रहिए आज तक।